हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये गेज प्रेशर क्या है, क्योंकि हमें इसको ना बच्चों को यही है कि गेज कहते हैं, हम इसे कहते हैं गेज। हम ये नॉर्मली आप इंडस्ट्री में जाना, वो गेज देना, कौन सा प्रेशर गेज दे दो। गेज कहते ही क्यों है? क्योंकि भाई साहब, ये गेज प्रेशर के बारे में बताता है। अब ये गेज प्रेशर क्या है? देखिए, गेज प्रेशर होता है, हम उसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है इसके बारे में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पता तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, वो देख लेना, एक बार समझ आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर हो उसको हम पॉजिटिव गेज प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक को आप जीरो मान रहे हो और उसके बाद का जो प्रेशर है वो क्या है? पॉजिटिव गेज प्रेशर। और अगर हम उसे नेगेटिव जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाते हैं, उसको नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम बोलते हैं। अब आ जाते हैं इस पे। तो पहली बात तो ये समझेगा गेज क्या कहता है, गेज प्रेशर को मापने के लिए। गेज प्रेशर भी आप समझ लेना, ठीक। चलिए आगे। अब भाई साहब, ये जब यूज करते हैं इसको, तो ये इसका यूज किस तरह से होगा और क्या होगा आपको देखने को जब मिलेगा, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा। यहां का आप पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट यहां से ओपन है, आप देख सकते हैं यहां से। मैं इसको ना थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे ये चीज। ओके, ये देखना, थोड़ा सा नीचे ये देखिए, यहां से ये ओपन है। ओपन होने के कारण यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से कोई भी फ्लूइड एंटर करवा सकते हो इसके अंदर, और आप जिस फ्लूइड का प्रेशर पता करना चाहते हो उसके साथ इसको पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, और यहां पर आपको रीडिंग शो होगी। अब यहां पर जो रीडिंग शो कर रहा है वो बार में शो कर रहा है। प्रेशर जो है आप बार में भी पता कर सकते हो, किलो पास्कल में भी पता कर सकते हो, पीएसआई में भी पता कर सकते हो, ये सब प्रेशर के यूनिट्स हैं। तो आपको जो भी यहां पे लिखा हो वो वाला आपको यूनिट, मतलब उस यूनिट में आपको प्रेशर यहां पे पता लगेगा। अब बात करते हैं कि ये चलता कैसे है, मतलब इसकी वर्किंग। अब अगर आप अंदर से खोल के देख सकते हैं तब आप इसको समझ सकते हैं। जब आप फ्लूइड एंटर कराएंगे यहां से, तो यहां पर एक कॉयल है, देखिए बेटा ये कॉयल है, और ये कॉइल आगे रैक एंड पिनियन गियर से जुड़ी हुई है। जब यहां से फ्लूइड एंटर करता है तो ये वाली कॉइल जो है वो ओपन होती है, ओपन होती है और इस रैक एंड पिनियन को धक्का देती है, और यहां पे जो इसकी नीडल है वो हमें रीडिंग बताती है। तो ये एक्चुअल अंदर का काम हो गया। लेकिन आप कहोगे सर ये कैसे होता, कैसे ये इसके अंदर का सिस्टम जो है? आपने बड़ा ही सिंपल सा एक चीज बताता हूं, ये आपने हमेशा देखा होगा, मेले मुले में जाते हो, है ना, मेले में जाते हैं तो आप समझ रहे हो मेला क्या होता है। आप मान लीजिए गांव में, शहर में कहीं मेला लगता है तो इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है ना, तो ये मिलता है मजे मस्ती मारने के लिए, पी पी आवाज निकलता। और ये जब देखिए इसका जो है वही सिस्टम उसी में है, ये जैसे अंदर आ रहा है फिर बाहर जा रहा है, यही सिस्टम हमारे पास उसमें भी लगा होता है। अब यही सिस्टम इसके अंदर अटैच कर दिया, और यहां पे अगर देखोगे तो हमने पीएसआई इसके अंदर लिया, देखो यहां पे पीएसआई। तो ये जैसे जैसे पॉइंटर ओपन हो रहा है, और यहां सॉरी ये वाला जो हमारे पास लिंक है वो ओपन हो रहा है, आगे जाके लिंके जो है रैक एंड पिनियन के साथ लगा है, और यहां पे पॉइंटर मूव कर रहा है। अब समझ आ गया होगा, सिंपल सा है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज अंदर से कैसा दिखता है अगर पता लग गया है। अब इसके अंदर जो नाम है इसके, ये इसको पॉइंटर बोलेंगे, सॉरी तो ये नाम देख लेते हैं एक बार। ये नाम जो है इसका, इसको हम पॉइंटर बोलेंगे, और ये क्या है? बॉर्डन ट्यूब। इसका नाम क्या है? बॉर्डन ट्यूब। इसका नाम ही बॉर्डन ट्यूब है। और ये क्या है? यहां पे एक ट्यूब एंड पीस है, यहां पे लगा हुआ है, और ये लिंकेज है जिसके कारण मूव हो रहा है, और ये टूथ सेगमेंट है, आगे ये मूवमेंट इसकी होनी है, आगे मूवमेंट होनी है, और यहां पे सॉकेट है। तो ये इसके नाम है। और ये डायल, ये देखिए डायल ऊपर, मतलब ऊपर जो रीडिंग आती है उसको हम डायल बोल देते हैं। अब मेरे पास हम इसके अंदर रेंज की बात करें तो कितना आप प्रेशर पता कर सकते हैं नॉर्मल। देखो हमारे पास अलग अलग रेंज के आते हैं, लेकिन एक रेंज बता रहा हूं जिस रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगे इंस्ट्रूमेंट। तो 0.6 से लेके 7000 बार तक आप पता कर सकते हैं इससे। बहुत ही मजेदार बात, इतना प्रेशर 7000 बार तक आप पता कर सकते हो। 8 से लेके 1000 पीएसआई हम इसको बोल सकते हैं, पीएसआई। तो पीएसआई में आपको इतनी रेंज मिल जाती है। और इसके अंदर जो है टाइप भी अलग अलग है। आपने जो अभी देखा वो था सी टाइप, सी टाइप बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। एक होता है स्पाइरल टाइप,
स्पाइरल टाइप में ये एक स्पाइरल बना होता है, यहां पे देखेंगे ये स्पाइरल बना हुआ है उसी तरह का एक स्पाइरल बना है लेकिन, और यहां पे देखोगे तो हेलिक्स टाइप है, ये हेलिक्स टाइप है। ये तीन तरह की टाइप्स आ जाती है, सी आपने देख लिया, ये आप देख रहे हैं ये स्पाइरल है, ये स्पाइरल की एक एग्जांपल आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। यहां पे देखेंगे तो ये हेलिकल बॉर्डन है, इसमें भी हमारे पास वही है कि ट्यूब हमारे पास हेलिकल शेप में है और आगे हमारे पास एक पॉइंटर लगा हुआ है। अब बात कर ले कि यूज कहां हम, ये यूज कहां नहीं होता ये बताओ, ये तो मैं बता रहा हूं यूज होता है, यूज कहां नहीं होता आप बताओ, हर जगह पर यूज होता है। जहां पे आपको प्रेशर पता करना है वहीं पर भाई सीधा सा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज लगा सकते हो। आर प्राइमरी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड की आप प्रेशर पता करने के लिए। एनालॉग प्रेशर मीटर फॉर मेजरिंग द फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, तो ये एनालॉग प्रेशर, एनालॉग है, डिजिटल नहीं है, एनालॉग है ये। ऑल्सो यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सारी में होता है बेटा, कहां नहीं होता इंडस्ट्री में। एडवांटेज देख लीजिए, एडवांटेज अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बॉर्डन ट्यूब इज क्वाइट सिंपल, बड़ा सिंपल सा काम है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्किल ऑपरेटर, कोई स्किल ऑपरेटर नहीं भाई, किसी भी बंदे को पकड़ा दो क्या भाई ऐसे लगा रीडिंग बता दे बस, इतना आसान है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट यूनिक एडवांटेज बॉर्डन ट्यूब का बाकियों के मुकाबले, क्या ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों को मेजर कर सकता है। आपको ये नहीं कि लो वाले यार, लो वाला तो हमें अलग से यूज करना पड़ेगा प्रेशर गेज और हाई के लिए, नहीं मेरे भाई इसी को यूज कर लो। इसमें क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, वह सीधा ही यूज हो सकता है। गुड एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी इन रियल टाइम एप्लीकेशन, लगा एक मिनट लगाओ, चलो इतना प्रेशर, चलो आगे चलो, और आपने देखा भी होगा इसको, आप देख आपने इस प्रेशर गेज को देखा है, कहां देखा है ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, आपने देखा जरूर है, मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा, आप खुद सोचिए मेमोरी में कहां आपने ये देखा है। कॉस्ट इज कंपेरेटिवली ऑन लोअर साइड है, और बहुत ही कम लो साइड है, कितना लो साइड है आप बताओ, कितना सस्ता हो सकता है, मैं आपको दिखाऊं, आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन देखा, तो ये आप देखोगे इसका मैं रेंज बता देता हूं आपको, हैरान हो जाएंगे आप इस चीज के बारे में, सिर्फ 280 रुपीज का, 280 रुपए का ऑनलाइन मिल रहा है, और ये 2.5 इंच का, ठीक है, और इसमें रेंज देखिए 0 से लेके 300 बार की रेंज है, और 4000 PSI, यहाँ आप PSI में लगा लो, यहाँ हमारे पास 300 बार, यहाँ पे बार में देख लीजिए, प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, एनालॉग है, ये इतना सस्ता है, 280 रुपए का मिल रहा है, इतना सस्ता है, और इसका जल्दी खराब भी नहीं होता, ये मेन बात की जल्दी खराब भी नहीं होता। अब जैसे कि हमने एडवांटेज देखी, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज एक थोड़ी सी अजीब सी है कि अगर मान लीजिए कहीं हल्की फुल्की वाइब्रेशन भी हो रही है ना, तो उसको भी ये बीच में ले लेगा, तो ये प्रॉब्लम कहीं शॉक और वाइब्रेशन को उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। तो हमारे पास दो अलग से टाइप आ जाती है, कौन सी, एक आती है वेट और एक ड्राई। ड्राई वाला हमारे पास सिंपल सा बेटा, इसके अंदर कोई भी लिक्विड, अंदर मतलब समझ रहे हो, ट्यूब के अंदर, जो ट्यूब मैंने बताई ना अंदर घूम रही है, उस ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ जो फ्लूइड के साथ अटैच लाना है, फ्लूइड जाएगा ट्यूब के अंदर बस, और फ्लूइड के अंदर, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप वेट वाले में देखोगे, इसके अंदर ग्लिसरीन भरी जाती है, इसके अंदर ग्लिसरीन भरी जाती है, ताकि मैंने जो बोला ना कि डिसएडवांटेज यहां पे वाइब्रेशन वालों को, वाइब्रेशन के कारण भी जो रीडिंग आ जाती है उसको आप बर्दाश्त करने के लिए, झटका शॉक बर्दाश्त करने के लिए, वाइब्रेशन बर्दाश्त करने के लिए इसके अंदर क्या करते हो, ग्लिसरीन भर देते हो, और इस ग्लिसरीन के कारण हमारे पास जो है वो झटका या इसको सहन करने के लायक बन जाता है। तो ये दो टाइप अलग से आ जाती है। तो आपको समझ आया या नहीं आया मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपने ये कहां देखा है ये जरूर बताएं एक बार, देखते हैं कितने लोगों को बताएं। और अगर आप SSC JEE RRB JEE किसी भी JEE एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।